Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक एकेडमी। आज जून 13 है। सो इन टुडेज करंट अफेयर्स डिकोडर सेशन माय सेल्फ शिवाजी काळे वेलकम्स यू ऑल। सो वी विल स्टार्ट विद द हिंदू, ठीक है। सो हिंदू को स्टार्ट करने से पहले आई विल मेक यू रिमेंबर दैट यू शुड बी गिविंग योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द दिस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो, ठीक है। उसके साथ साथ आपने आज का वेबिनार देखा होगा, विच इज़ अबाउट द अपकमिंग बैच ऑन द 21st of June। जिन लोगों ने मिस किया है, दे कैन कम एंड अगेन अटेंड दिस पर्टिकुलर सेमिनार टुमारो, दैट इज संडे 6 PM। दैट विल बी ऑन द फेसबुक लाइव वर्क करेंगे, वहाँ पे वी कैन मीट देयर, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं डिस्कशन द हिंदू का। ऑन द फर्स्ट पेज देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू कॉल्ड एज GST कॉम्पेंसेशन। तो अभी GST इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जामिनेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे देखो, GST तो सब लोगों को अभी पता होगा, इट इज़ वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स किया जाता है। वन नेशन वन टैक्स के इसमें गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म। सो व्हेन गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूसिंग दिस रिफॉर्म, दे हैव ट्राइड टू कॉम्पेंसेट दोज पर्टिकुलर स्टेट दे आर गोइंग टू फेस द लॉस इन देयर रेवेन्यू। क्यों, एकदम ब्रीफ में समझेंगे। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो GST इज अ टैक्स वेस्ट, इट इज कलेक्टेड एट अ प्लेस वेयर देर इज अ कंजम्पशन। सो इट्स अ कंजम्पशन एंड का टैक्स है। सो पर्टिकुलरली दोज स्टेट्स हु आर प्रोड्यूसिंग मोर, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स लाइक से फॉर एग्जाम्पल गुजरात और महाराष्ट्र और से तमिलनाडु, दीज आर गोइंग टू रिड्यूस देयर टैक्स रेवेन्यू। क्योंकि पहले क्या होता था, स्टेट की भी बहुत सारे टैक्सेस थे जिसको स्टेट को रेवेन्यू मिलता था, अभी वो नहीं रहेगा क्योंकि वो सारे टैक्सेस क्या हो गए, GST में सब्ज्यूम हो गए। सो नाउ दीज स्टेट्स आर सेइंग कि भाई हमारा टैक्स क्या हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है। एंड दोज स्टेट्स पर्टिकुलरली जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, मतलब फ्रॉम स्टेट टू स्टेट या इंटर स्टेट जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, फॉर एग्जाम्पल से उत्तर प्रदेश एंड बिहार जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होगा, दीज टैक्स स्टेट आर गोइंग टू अर्न मोर रेवेन्यू पर्टिकुलरली इवन इफ दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन टू देयर मैन्युफैक्चरिंग और से प्रोड्यूसिंग दैट सर्विस। तो हमको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए फॉर द सम पीरियड ऑफ टाइम। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर चेंज एंड इन द GST वाइल फ्रेमिंग दिस रिफॉर्म दे हैव इनेक्टेड वन पर्टिकुलर लॉ बाय द पार्लियामेंट इन विच दे हैव गारंटीड द स्टेट इफ दे डू नॉट इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय 14% ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर के साथ अगर कंपेयर करोगे, तो जो भी गैप होगा दैट गैप विल बी टेकन केयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू दिस कॉम्पेंसेशन सेस। तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन सेस भी लगाया उन्होंने और उससे कलेक्ट करा। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप देखोगे तो इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी आप बोल सकते हो, GST के जो टारगेट्स है दे आर नॉट मीटिंग। हिंस एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू जनरेट दैट मच रेवेन्यू that they have already promised to pay to the states. इसलिए GST काउंसिल में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। और रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो पोस्ट COVID-19 पीरियड, तो जो GST का रेवेन्यू जनरेशन है दैट हैज रिड्यूस टू से 45%। इट इज़ वेरी वेरी लेस, 45% ही टारगेट अचीव हुआ है। नाउ पोस्ट COVID-19 तो ये पीरियड आना है, दैट इज़ वी कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन के पहले भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट दैट मच गुड वेन वी आर लुकिंग एट द रेवेन्यू डेटा। एंड हिन्स जो पेमेंट के डिफॉल्ट हो चुके हैं कुछ स्टेट्स के, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, अगर आप जाओगे 2019 के पीरियड में तो आपको देखेंगे कि सम ऑफ द स्टेट्स वेयर आल्सो थ्रेटनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल से पंजाब, they are saying that if central government is not going to give us what they have promised and it is a statutory provision also, क्योंकि से वो तो act बनाया ना उन्होंने compensation का act, तो we can go to the supreme court and we can sue the central government. So they can do, they are into their rights, but the point is that revenue is not generating. So GST council ने discuss किया है उसके ऊपर and they have also thought about bringing money from the market, borrowing money from the market to pay to the states, क्योंकि states को भी अभी थोड़े से fund की जरूरत है because they have to take care of lot of other activities, particularly if you are talking about say infrastructure related to health and other aspect. तो ये बहुत important issue रहने वाला है जो हम लोगों को आगे जाके भी prelims and mains के exam में पूछा जा सकता है। आगे जाते हैं,
यहाँ पे एक बढ़िया सा न्यूज़ आया है प्रीलिम के हिसाब से, ये थोड़ा सा आप देख के रखना, एंड मेंस के हिसाब से इसको हम लोग क्या करेंगे केस स्टडी में डाल के रखेंगे। तो क्या न्यूज़ है ये, पर्टिकुलरली मुंबई में उन्होंने एक फ्लड वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। नाउ दिस इज़ वी कैन से अ लोकल न्यूज़ बट इट इज़ वेरी वेरी गुड एज अ केस स्टडी दैट शुड बी रिटन इन आवर मेन्स एग्जामिनेशन। और इस टाइप के प्रीलिम्स में भी कुछ बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आईफ्लो नाम का जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है, दिस इज़ अ फ्लड वार्निंग सिस्टम मुंबई में, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मुंबई इज़ प्रोन फॉर फ्लड्स। क्यों है, उसके रीज़न सबको आपको पता है कि मानसून कम्स देयर, इट्स अ बिग सिटी, जो ड्रेनेज आउट सिस्टम है थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, एंड अदर एस्पेक्ट्स जो आप सब लोगों को पता है, इनफेमस रेन इंसिडेंट्स है, लास्ट ईयर भी हुए और लास्ट डिकेड्स में भी बहुत सारे हुए। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग देखोगे तो मेंस में दो बार 2015 एंड 2016 में ऑलरेडी दे हैव आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लड इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो इसके ऊपर हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम के एस्पेक्ट से हम लोगों को पता होना चाहिए इस सिस्टम क्या है, क्या काम करती है, हु हैज़ डेवलप्ड इट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस हैज़ डेवलप्ड इट, एंड दिस इज द डायमेंशन और ऑब्जेक्टिव दैट कैन बी यूज। एक पैरेलल यहाँ पे उधर उन्हें यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे 2004 में सुनामी हैज़ कम एंड हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, सदर्न ईस्टर्न कोस्ट वी कैन से, एंड टेकन अ लॉट्स ऑफ लाइव्स एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी दैट वी फेस्ड। तो उसके बाद में इंडिया ने सुनामी वार्निंग सिस्टम डेवलप किया था, तो सिमिलरली फ्लड वार्निंग सिस्टम शुड बी ऑल्सो डेवलप्ड एंड नॉट ओनली इन मुंबई बट इन अदर सिटीज़ अल्सो, जिसको हम लोग वल्नरेबिलिटी मैपिंग करेंगे एंड उसमें हम लोग उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और एक न्यूज़ यहाँ पे देखेंगे, नाउ दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। अलगाई ब्लूम नाम का आपको सब लोगों को कंसेप्ट पता होगा, या यूट्रोफिकेशन नाम का कंसेप्ट भी आपको लोगों को पता होगा, तो ये कंसेप्ट आपके लिए एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में बहुत बार, मेंस के एंगल से भी इसको आप पता कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ रिसेंट इवेंट हैपनिंग इन इंडिया, दैट लूनार लेक इज़ इन बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो ज्योग्राफिक एंगल से भी ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज अ लेक दैट हैज फॉर्म ड्यू टू मीटराइड हिट इन ऑन द अर्थ 50,000 ईयर्स एगो। दिस इज द वन ऑफ द लेक दैट इज ऑल्सो गॉटन एन जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, और ये सलाइन वाटर लेक है, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना सलाइन वाटर लेक है। अभी देखो कल मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, आज के वेबिनार में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, अगर जिन जिन लोगों ने अटेंड किया है, जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया है वो भी जाके क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैंने यूट्यूब का लिंक डाला है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो भी आप वेबिनार है वो भी आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि प्योंगोंग लेक जो अभी सत्ता क्या चल रहा है, चर्चा में चल रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के, क्या वो सॉल्ट लेक, सॉल्ट वाटर लेक है या स्वीट वाटर लेक है। देखो ये क्वेश्चन है, ये पक्का आपको प्रीलिम में पूछा जा सकता है, और ये बहुत से लोगों ने नहीं प्रिपेयर किया है, तो ये भी हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नाउ ऑन द एडिटोरियल पेज पर्टिकुलरली इफ वी सी दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वी नीड टू फोकस अपॉन, नॉट इन डिटेल बट वी ओनली नीड टू फोकस अपॉन दिस मास ऑनलाइन ओपन courses program which is being run through the Swayam platform. And why it is important? Because nowadays you see, everything is going online. So we are also conducting e-learning type of mode of education now. So classroom lectures are now being converted into online lectures. तो भैया इसमें क्या है, अगर हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में देखेंगे पर्टिकुलरली, तो गवर्नमेंट हैज इट्स ओन प्रोग्राम कॉल्ड एज मास ऑनलाइन ओपन कोर्सेस। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप जो बुक्स पढ़ते हो नेशनल इसके ओपन कोर्सेस वाले, वो भी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। तो ये स्वयं प्लेटफॉर्म क्या है थोड़ा सा देख के रखना, होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये प्रीलिम के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछा करती है। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, नाउ वी नीड नॉट टू गो इन टू डिटेल, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन डिटेल इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था कि अबाउट 1,000+ सिटीज़ एंड टाउन्स इन तमिलनाडु रीजन हैज़ चेंज देयर नेम, पूरा चेंज नहीं किया है बट दे हैव जस्ट ट्राइड टू मेक द नेम और साउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी मोर एंड मोर इन तमिल फॉर्म। तो एंग्लिसाइड जो थे कोइंबतूर जो था तो उसको कोइंबतूर किया गया है। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो
तो यहाँ पे मैंने होमवर्क के लिए आपको करने के लिए बोला था कि क्या स्टेट को अथॉरिटी होती है ऐसे नाम चेंज करने की, तो हाँ होती है, और इसके रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। ये थोड़ा सा हम लोगों को इंडियन सोसाइटी नाम के टॉपिक में मेंस के एंगल से पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लैंग्वेज, ये एक इशू हम लोगों ने देखा है। तो लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी डिस्कस ऑल द टाइम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड होता ही है लैंग्वेज, लेकिन इंडिया में इट हैज़ अनदर डायमेंशन ऑल्सो, इट इज़ अ डायमेंशन ऑफ आइडेंटिटी, है कि नहीं। तो इफ़ आई स्पीक फॉर एग्जाम्पल से मराठी, सो आई विल फील वेरी क्लोज टू मराठी, आई विल ऑलवेज कॉल माई सेल्फ एज अ मराठी माणूस, और इफ़ आई स्पीक से तमिल आई विल ऑल्सो कॉल्ड एज माई सेल्फ तमिल पर्सन, तमिलाइट, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी डिस्कस द इंडियन सोसाइटी वाला टॉपिक, जिसमें लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट। और रिसेंट के टाइम में अगर आप देखोगे तो जो एजुकेशन ड्राफ्ट पॉलिसी आया है उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर भी लैंग्वेज ये इशू चर्चा में था। तो ये थोड़ा सा ठीक से करके रखना, ये प्रीलिम और मेंस के एंगल से आपको देखते हैं। और ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है इसका होमवर्क करके रखना, होमवर्क करके जो हम लोग हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल के कमेंट में लिख के देना है। ओके, नाउ जो न्यूज़ हम लोग कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले पढ़ रहे थे कि इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व हैज़ रीच इट्स हाईएस्ट, वो अभी और बढ़ गया है, इट हैज़ क्रॉस द 500 बिलियन मार्क। तो 8.2 बिलियंस इन 1 वीक वी हैव इंक्रीज्ड अवर रिजर्व। तो वो क्यों हो रहा है, दो चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट करेंसी रिवैल्यूएशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, पर्टिकुलरली इफ वी सी द डॉलर्स प्राइज इज डिक्रीजिंग विथ अदर ग्लोबल करेंसीज, बट इंडिया में थोड़ा सा हम लोगों को दिखने को मिल रहा है कि रुपीज़ वैल्यू इज ऑल्सो डिप्रिशिएटिंग एज कंपेरेटिवली। बट सेकेंड विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट वी आर रिसीविंग लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। अगर पर्टिकुलरली देखोगे तो मई एंड जून महीना का जो अभी टाइम हुआ है इसमें वी हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण क्या हुआ है, वी आर इंक्रीजिंग अवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देर इज अदर रीजन ऑल्सो विच इज कंसिडर्ड एज जलान रेड्डी पॉलिसी, ठीक है। तो ये पक्का लिख के रखना, जिन लोगों का इकोनॉमिक्स ऑप्शन है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। जीएस में भी जो हम लोगों को मेंस में आंसर में लिखने के लिए ये पक्का याद रखेंगे, जलान रेड्डी पॉलिसी क्या होता है, ये वेन एवर देयर विल बी अ कंटीजन, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगा उस टाइम पे यू नीड टू बिल्ड योर फॉरेक्स का रिजर्व जो होता है, यूनिटी बिल्डिंग, एंड दैट इज़ वॉट एक्चुअली RBI इज डूइंग रिसेंटली। दे आर सिंपली ट्राइंग टू मॉप अप द डॉलर्स फ्रॉम द फॉरेन मार्केट एंड दे वॉन्ट टू बिल्ड देयर किटी सो स्ट्रांग दैट इज सपोज इन द कमिंग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया हैज़ नॉट ट्राइंग और इंडिया इज नॉट एबल टू जनरेट एनी रेवेन्यू फ्रॉम सच टाइप ऑफ थिंग, इट शुड बी एबल टू सस्टेन इट सेल्फ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज लॉट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेस पर्टिकुलरली that India do not produce domestically, that has to be imported. Let's see, take a simple example of oil. Oil has to be imported. We cannot produce the amount of oil that is what actually requires for Indian consumption. तो वो करने के लिए हम लोगों को पैसा होना चाहिए, नहीं तो it may create a situation like similar to 1919 when we are facing the balance of payment crisis. तो नहीं होना चाहिए, इसलिए we are building our own reserve. है कि नहीं। तो यहाँ पे हिंदू में जो आर्टिकल से ये अभी ख़त्म होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में हम लोगों को एक ही यहाँ पे बढ़िया सा आर्टिकल आया है। ये इशू पुराना है थोड़ा सा, लेकिन इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम वी नेवर डिस्कस दिस पर्टिकुलर इशू, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो इसलिए ये लेते हैं। दिस इशू इज़ कॉल्ड एज AGR इशू। AGR क्या है, फुल फॉर्म अगर याद रखोगे इसका, तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इट इज़ रिलेटेड टू टेलीकॉम कंपनीज इन इंडिया। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसको समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी पर्टिकुलर टेलीकॉम ऑपरेटर, जो भी आप फोन यूज करते हो ले लो, एयरटेल ले लो, वोडाफोन ले लो, जो भी ले लो। तो इसमें क्या होता है, टेलीकॉम कंपनी जनरेट रेवेन्यूज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। फर्स्ट एंड प्राइमरी देयर रेवेन्यू सोर्सेज फ्रॉम द टेलीकॉम सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल आप जो फोन यूज कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर, आप उसका प्रीपेड या पोस्टपेड आप लेते हो, उसकी सर्विस लेते हो, डेटा है, SMS है, या वैल्यू एडेड सर्विसेज आप लेते हो। दीज आर द सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग एंड यू आर पेइंग मनी टू द दिस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्टिकल ऑफ रेवेन्यू फॉर द टेलीकॉम कंपनी। उस पर तो उनको टैक्स पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन देर आर अदर वर्टिकल्स ऑल्सो थ्रू विच दे जनरेट रेवेन्यूज।
For example, say interest income of their deposits, also the rent that they are receiving from different things that they are providing. Now, according to the telecom companies, that government should charge their levies or say dues or say taxes on the income that are only generated to telecom services. ऐसा किनका कहना था? टेलीकॉम कंपनीज का कहना था. लेकिन जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज थी उनका क्या कहना था? वॉट एवर इज अवर टोटल रेवेन्यू शुड बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन प्रोविजंस. तो इसके ऊपर बहुत बहस हो गया दोनों में एंड दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. बट सुप्रीम कोर्ट केम इन द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड सेड दैट वॉट एवर इज योर टोटल रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू वॉट एवर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर सेइंग यू शुड बी पेइंग द टैक्सेस अकॉर्डिंग टू इट. और अगर आपने जो जो पुराने टैक्सेस नहीं पे किए हैं वो जो ड्यूज है वो आपको इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम आपको पे करने पड़ेंगे. तो अभी इसमें थोड़ा सा और चीज़ें चल रही है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर एग्जामिनेशन इज कवर्ड हियर. तो आज के पर्टिकुलर डिकोडेड सेशन में इतना ही लेते हैं. फिर एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, जो हमारा कल का फेसबुक पे लाइव सेशन होने वाला है संडे 6 PM इन द इवनिंग, तो आपको मैं वहाँ पे इनवाइट कर देता हूँ. वहाँ पे एक बढ़िया सा टॉपिक भी लेंगे एंड बेसिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर न्यू बैच दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 21st of June, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू. टेक केयर.